हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। कभी संगीत है, कभी खामोशी, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर्थ। धार जिले के मनावर तहसील में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय मनावर ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को फांसी की सजा सुनाई। घटना धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र की थी, जहां 16 दिसंबर 2017 को करण नामक आरोपी ने 4 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद नाबालिग की पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अकबर शेख ने तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी करण को नाबालिग बालिका की हत्या के मामले में फांसी की सजा और दुष्कर्म की घटना को लेकर 10 साल कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 17,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह मनावर थाना क्षेत्र की जगन्नाथपुरा की घटना है, 15/12/2017 की शाम की। मृतिका विक्टिम जो है इसमें 4 वर्ष की बालिका है, अबोध बालिका, जिसके साथ आरोपी करण उर्फ फतिया पिता भारत आदिवासी भील ने जो है दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें जो है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अकबर शेख साहब द्वारा अपराध धारा 302 में मृत्युदंड की सजा, अन्य धाराओं में 376 में आजीवन सश्रम कारावास एवं पास्को एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास, इस तरह से 17,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान थाने के संजय रावत द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। आरोपी की सजा को लेकर मासूम बालिका के परिजन काफी आक्रोशित दिखाई दिए, जिनको बड़ी मुश्किल से पुलिस और वकीलों द्वारा समझाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में न्यायालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था, हालांकि बचाव पक्ष ऊंची अदालत में जाने की बातें कर रहा है। धार से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।